बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, मीडिया इस वक्त शदीद बहरान का सामना कर रहा है, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया जिसमें अखबारात छपते हैं। बहुत सारे अखबारात को बंद कर दिया गया है। पिछले हमारे प्रोग्राम का तसलसल हमने आगे बढ़ाया है, आज हम एक और प्रिंटिंग प्रेस पर आए हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो तकरीबन 30-35 साल का इस फील्ड में, और इस फील्ड में हमारी ये थर्ड जनरेशन है जो काम कर रही है। तो जहाँ तक इसके मसाइल्स हैं और दुश्वारियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि हिस्ट्री में कभी इतना बहरान प्रिंट मीडिया में और उससे अलाइड जो सिस्टम है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जो न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं, जिस बहरानी कैफियत का शिकार ये मौजूदा सूरत हाल में गुज़र रहे हैं, हिस्ट्री में इतनी बहरान नहीं आया। तो यहाँ तक यानी कैफियत आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कुछ लोग जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके साथ एंगेज थे और काम कर रहे थे, यानी तंग दस्ती का आलम यह है कि खुदकुशियों पर आ गए। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आया ये किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रही है कि प्रिंट मीडिया को बिल्कुल क्रश कर दिया जाए, इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए, ख़ास तौर पे वो अखबारात जो रीजनल की हैसियत रखते हैं और रीजनल न्यूज़पेपर और मीडिया के हवाले से पहचाने जाते हैं, उनका तो बिल्कुल पुरसान हाल ही नहीं है कोई। जब तक जैसा कि देखा जाए कि उनकी तो बहुत अहमियत है, हमारी 75% जो आबादी है वो बेस्ड करती है एग्रीकल्चर से और देहातों से, गांव से। आप देखें कि जितने भी बड़े बड़े मीडियम हैं वो देहातों में तो नहीं जाते, वहाँ बाज़ तो देहात ऐसे हैं जहाँ बिजली भी नहीं है इस वक्त, तो वहाँ कवर करता है ये जो रीजनल मीडिया होता है उस उनके मसाइल को, उनकी सारी सिचुएशन को, उनके हालात को यही कवर करता है और यही एक मीडियम है। मौजूदा हुकूमत हाथ धो के उसी के पीछे पड़ गई है। मुझे आप बताएं कैसे चलेगा निज़ाम, कैसे चलेगा ये सिस्टम, कैसे चलेगी ये सहाफत, जबकि इस बुनियाद को ही ख़त्म आप कर रहे हैं। हो शुरबा इजाफा हो चुका है मटेरियल में, जो मटेरियल अखबार की छपाई में काम आता है वो मेन चीज़ है न्यूज़पेपर, जिसको हम न्यूज़ प्रिंट कहते हैं। दूसरा होता है पीएस प्लेट्स, जिस प्लेट्स के ऊपर छापा लगता है और वो छापा जो सा है एक किस्म की मोर उस प्लेट पर आ जाती है पूरे अखबार की, और वो अखबार को प्रिंट करता है, मशीन में चला जाता है और उसके फर्दर प्रोसेस हैं काफ़ी सारे। अब इन चीज़ों की कीमतें तकरीबन डबल हो चुकी हैं। इन हालात में कौन सा अखबार इतना साहूकार है कि वो ज़िंदा रह सके? गवर्नमेंट को चाहिए कि लाइसेंस सिस्टम और कोटा सिस्टम को बहाल करे ताकि जो मौजूदा कैफियत है बहरान की उससे छुटकारा हासिल हो सके। हमारे इस टाइम जो मामला जो जा रहे हैं कि हमारा प्रिंटिंग का बहुत इशू आ रहा है, मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि अखबारात वाले उसको मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। जो हमारे पास अखबारात प्रिंट होते थे लाख तादाद में, वो आ गए हैं 100 पे आ गए हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे जो है ना बहुत सारे जो भाई हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ जस्ट ये मटेरियल महंगा होने की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से कि ये हम गरीबों को, यानी कि जो यहाँ पे रोज़गार हासिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमें बेनिफिट दें। ठीक है, अखबारात वालों को बेनिफिट दें ताकि वो प्रिंटिंग को बरकरार रखें, और इससे वाबस्ता बहुत सारे ऐसे जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं इस तरह, तो ये बेरोज़गार हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि सिर्फ महंगाई है। हुकूमत से हम अपील रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हम जो गरीब यहाँ पे जो एक बंदा यानी कि इस तरह पूरे फैमिली का मेंबर है,
ठीक है, वो उसका दरमदर यहीं पे ही है। अगर उसके पास जॉब नहीं है या वो जॉबलेस हो जाएगा तो वो कहाँ से खाएगा। तो आपसे यानी कि हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि इसका अखबार मटेरियल प्रिंटिंग का उसे एक कोटा दिया जाए जो कि हम इसको प्रॉपर ये मैनेज कर सकें इसको। मैं यहाँ पे आर्ट एडिटिंग का काम करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही काम आता है जो कॉपी पेस्टिंग है या प्रिंट चला सकता हूँ मैं। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम बंद हो गया या रुक गया तो मैं या मेरे जैसे जितने भी हैं वो क्या करेंगे, वो अपने घर को कैसे पालेंगे या ख़ानदान को कैसे पालेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो कोटा है इसको बहाल किया जाए तो ताकि गरीब आवाम जो है अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाए और अपना घर चलाए और अपना ख़ानदान चलाए। बहुत मुश्किलात हैं जी, कागज़ महंगा होने की वजह से बहुत काम ख़राब हो चुका है, काम रहा ही नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। हम यहाँ जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं सब गरीब लोग हैं और इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, तनख्वाहें वहाँ की वहाँ ही पड़ी हैं। अगर काम होगा तो मालकान तनख्वाहें देंगे, काम नहीं होगा तो मालकान तनख्वाह कहाँ से देंगे। कोटा तो बहाल करना चाहिए ताकि वर्करों के लिए आसानी पैदा हो। प्रेस की बहुत क्रिटिकल सूरत हाल है इस टाइम। अभी अखबार कितने छपते थे हमारे पास, आधे से भी कम रह गए हैं और बहुत ज़्यादा हमारे मालकान पे तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा नुकसान उनका हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे मामलात नहीं होंगे, अखबार रात का निज़ाम नहीं चलेगा तो कैसे हमारी सैलरी वगैरह सारी वर्करों को देंगे या मटेरियल पूरा करेंगे या स्टाफ रखेंगे। अभी तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया समझ लें कि आप लॉस में ही हम हर महीने जा रहे हैं, मतलब कि कर्ज़ है, कुछ किसी से उधार मांगा है, मतलब इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं देखी है ज़िंदगी में कभी जितनी ये इधर अभी 2 सालों में हमने देखी है। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि वो खुदारा गरीब पे रहम करें और जितने भी लो तबके के लोग हैं अमली काम से तो बातों से तो गुजारा नहीं होता, उनको चाहिए कि हम लोगों को देखें, तमाम जितने भी हम वर्कर्स हैं या गरीब लोग जितने भी हैं, बातों से तो कभी काम नहीं होता। और इमरान खान साहब माशाल्लाह बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन एक प्रैक्टिकल काम भी उन्होंने नहीं किया और हमें तो नुकसान पे नुकसान ही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, एक टाइम रोटी है, दूसरे टाइम नहीं है, तीसरे टाइम देखना पड़ता है कि या क्या मामलात हैं, कहाँ से आएगा। तो इसमें इंसान गरीब आदमी क्या करे, सफ़ेद पोश तो किसी से ले भी नहीं सकता, अपनी चादर को वो देखता है, अपने घर को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, तो वो क्या करे। अभी दूसरी नौकरी करना उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया, एक नौकरी पर तो सर्वाइव नहीं कर सकता घर का। जी नाज़रीन, आपने देखा अखबार का मालिक और वर्कर दोनों परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जो कोटा अखबारात को दिया था मुकामी अखबारात को, वो बंद है, जिसकी वजह से जो अखबार 10 हज़ार 20 हज़ार की तादाद में छपता था अब वो सैकड़ों की तादाद में आ गया है। हुकूमत से तमाम वर्कर्स ने अपील की है कि दिया गया कोटा बहाल किया जाए ताकि अखबारात की सनद में जान आ सके। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।